स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में अपन देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अपन सब कुछ पढ़ रहे थे, है ना, कि उनमें क्या कैसे स्ट्रक्चर होगी, उनका विन्यास किस तरीके का होगा, है ना। ये सब अपन देख रहे थे, विन्यास में देख रहे थे कि DL नामकरण किस तरीके से किया जाता है, 3U3U नामकरण किस तरीके से किया जाता है। देखो, आपके DL नामकरण हमेशा, डी और एल नामकरण हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स के लिए ही किया जाता है। ये सब अपन देख रहे थे, वहाँ अपन ने सब कुछ कवर कर लिया था, है ना। देखो, आपके कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर कुछ लंबा है तो थोड़ा लंबा ही चलेगा, ओके, तो अभी कंप्लीट नहीं होने वाला ये, ओके। तो आज अपन पढ़ेंगे उसमें एपिमरीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ओके। तो इस तरीके से अब कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और अपन विन्यास पढ़ रहे थे तो अपन ये भी देखेंगे कि डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज ही बनता है या डी मेलोज बना सकते हैं, तो वो अपन उनकी संभाव्यता के आधार पर उनका निर्माण करेंगे। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं रिएक्शंस पार्ट है आपका, यानी कुछ रिएक्शंस ही देखेंगे उसमें भी, लेकिन आपको वहाँ ध्यान रखना होगा कि डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज ही बनाना है, न कि एल फ्रक्टोज, ओके। तो वहाँ अपन थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखकर प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो प्रोडक्ट का निर्माण करते समय अपन को क्या ध्यान रखना है कि उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी। एपिमरीकरण, अब आपके नया टॉपिक है एपिमरीकरण, एपिमरीकरण क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो अपन स्टडी करेंगे, ओके। एपिमरीकरण का मतलब होता है आपके कि आपके पास मान लो कोई ब्यूरिम समावयता है, ब्यूरिम समावयता का मतलब डायस्टीरियोमर है। डायस्टीरियो का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, ओके, उसे अपन बोलते हैं डायस्टीरियोमर, ओके। तो डायस्टीरियोमर का उसका उसकी मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये। और एक बात होती है कि उसके अंदर मान लो आपके पास 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन के अंदर 6 कार्बन है, या अपन 4 कार्बन लेके बताती हूँ मैं आपको पहले, 4 कार्बन है, 4 कार्बन की एक चेन है, चारों कार्बन पे कोई असीमित कार्बन नहीं है, आपके सीमित कार्बन नहीं ले रहे, असीमित एक तरीके से बोल रहे हैं काइरल सेंटर है आपके, काइरल सेंटर पर मान लो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये है, दूसरी इसकी मिरर इमेज नहीं है ये आपके, ओके। मैं यहाँ कोई मिरर इमेज नहीं बना रही हूँ, डायस्टीरियोमर आपके, डायस्टीरियोमर में आपकी कभी भी मिरर इमेज नहीं बनती है, ओके। तो अब आपके मान लो यहाँ आप अगर DL नामकरण कर रहे हो तो DL, या अगर आप R और S नामकरण कर रहे हो तो RS से भी समझ सकते हो। देखो, आपको RS भी पढ़ो आपके आया हुआ है, सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, और DL भी पता है कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं। RS का थोड़ा मैं आइडिया दे देती हूँ, R का मतलब होता है आपके अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है कोई, यानी कि अपन प्रायोरिटी रूल से अपन डिफाइन करते हैं, प्रायोरिटी रूल के अंदर अपन प्रायोरिटी रूल, है ना, प्रायोरिटी रूल से अपन लगाते हैं, तो अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो आर बोलते हैं, एन आर और एस कहा जाता है, एंटी क्लॉक वाइज हो तो अपन एस कहा जाता है, ओके। तो ये थोड़ा ब्रीफ आइडिया है, तो इसे एक बार देख लेना, और अगर नहीं आता है तो इसमें प्रायोरिटी रूल देख लेना आप, जो आपको पहले बताया गया है, आपके फर्स्ट ईयर में आ चुका था आपकी समानता वाला चैप्टर, ओके, या सेकेंड ईयर में आ गया होगा। अब आपको याद रखना है कि अगर आर यहाँ भी आर है, यहाँ एस है और यहाँ आर है, ओके, तो क्या हो गया कि तीनों कार्बन तो आपके क्या है सेम समायता दर्शा रहे हैं, जबकि एक कार्बन मान लो आपके दूसरी समायता दर्शा रहा है, तो उस कमी उस पोजीशन में अपन बोलेंगे, या उस समय अपन बोलेंगे कि ये कार्बन क्या हो गया आपका एपीमर हो गया, एपीमर, एपीमर कार्बन हो गया, ओके। तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं कि एपीमरीकरण किसे कहते हैं। एपीमरीकरण अगर मान लो आपके ये आपके हो गए आर, ये आपके आर, ये आपका एस और ये आर, तो ये दोनों कार्बन कौन से हो गए, एपीमर कार्बन हो गए, एपीमर कार्बन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पास समायता और कार्बन जितने भी कार्बन है उनकी समायता आपके पास सेम आनी चाहिए, ओके। अगर सेम आ रही है तभी उस कंडीशन में अपन बोलेंगे, और एक की डिफरेंट आए या दो की डिफरेंट आए, अगर आपके पास मान लो 7 कार्बन है, 7 कार्बन में से 4 कार्बन का तो एस कॉन्फ़िगरेशन है और 2 कार्बन का आपके पास क्या है, एस आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन, वो एपीमर कार्बन है आपका, है ना। तो अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और साथ में अपन उसकी मिरर इमेज देखेंगे, जो भी मिरर इमेज नहीं बनती है आपकी, यानी कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं होता है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी भी सेम होगी। तो सेम होगी कि आपके पास अगर 4 कार्बन की संरचना ये थी, 4 इसका भी ऐसा, तो इसका भी
हो गई। और अगर आपके पास मान लो यहाँ पे एस का कर देते, ये मेरे माना है, होता है नहीं होता आपको देखना है, ओके, कि किसमें एस होगी और किसमें आर होगी। मान लो मैं इसे एस कर रही हूँ, इसे भी एस कर रही हूँ, इसे भी एस कर रही हूँ, ये आपका आर है, और इसमें भी क्या है, इसमें एस कर रही हूँ, इसमें एस कर रही हूँ, इसमें एस कर रही हूँ, इसमें क्या है, आर है। तो इस कंडीशन में भी अपन बोलेंगे कि आपका कौन सा हो गया, एपिवर्ग आर्गन हो गया, एपिवर्ग आर्गन, ओके, कारणिक आर्गन। इस तरीके से अपन इन्हें डिफाइन करते हैं कि कौन सा एपिमरीकरण है या एपिमर कार्बन किसे कहते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका एपिमर कार्बन। अब मैं आपके सामने ये दो एग्जांपल्स लिए हैं ना, दो एग्जांपल्स कौन से, डी मेनोस है और ये डी ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज, ओके। आपके पास दो एग्जांपल्स है, इन दो एग्जांपल्स में आपको मान लो, ओके, क्या होगा, किस, पहले तो एपिमरीकरण की मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ कि एपिमरीकरण किसे कहते हैं, एपिमरीकरण। अगर आपके पास कोई मोनोसेकेराइड हो, ओके, मैं एक शॉर्ट में लिख दूँ, कोई मोनोसेकेराइड हो, मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है कि असीमित कार्बन होते हैं, कंप्लीट असीमित कार्बन है, तो ये आपके असीमित कार्बन है, असीमित कार्बन है। असीमित कार्बन में अगर किसी एक कार्बन या दो कार्बन का विन्यास डिफरेंट हो, तो मैं लिख लेती हूँ वन कार्बन का, अगर मान लो एक कार्बन का विन्यास विन्यास डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में उस कार्बन को अपन बोलते हैं एपिमरीकरण, ओके। तो ये हो गए एपिमरीकरण की परिभाषा। वापस से देखो, एपिमरीकरण किसे कहते हैं, अगर आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट में क्या है, असीमित कार्बन प्रेजेंट है, असीमित कार्बन में से अगर किसी एक कार्बन का विन्यास भिन्न आता है अदर कार्बन की अपेक्षा, है ना, तो उस कंडीशन में कहा जाता है, इसे एपिमरीकरण कहा जाता है। अब आपके आपके पास कोई एग्जाम्पल है, मान लो डी मेनोज है ये और डी ग्लूकोज है, कार्बन ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया और सिक्स कार्बन हो गया, ये कौन से हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सिक्स हो गए, वन टू थ्री, ये ज़्यादा लिख दिया मैंने, मिटा देते हैं अभी, ये हो गए आपके सी एस टू ओच, तो ये हो गए छह कार्बन, ओके। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गए कम्प्लीट। इनमें क्या होता है कि कार्बन टू पर क्या होता है, विन्यास डिफरेंट होता है, यानी कि इनकी कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है, कार्बन टू पर विन्यास, कार्बन टू पर विन्यास भिन्न होता है, विन्यास भिन्न होता है, भिन्न होता है। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि आपकी क्या है, एपीमर कार्बन, एपीमर कार्बन, ओके, एपीमर कार्बन, ओके। तो ये हो गया आपका एपिमरीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो आप देख लेना इनमें विन्यास निकाल के किसमें चेंज हो रहा है, किसमें क्या आ रहा है, ओके। आर एस निकालना, सभी का आर एस निकालना पहले तो, और सभी का एस निकालना। अगर आप इस तरीके से निकालोगे आर एस कॉन्फिगरेशन, तो क्या होगा, एक कार्बन का आपके पास इसमें डिफरेंट आएगा वो कार्बन नंबर टू होगा, और इसमें डिफरेंट होगा वो कार्बन नंबर टू होगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि आपकी क्या है, एपिमर है, इसका क्या हो रहा है, एपिमरीकरण हो रहा है, और इन कार्बन को क्या बोलेंगे, एपिमर कार्बन बोलेंगे, ओके, कंप्लीट हो गया एपिमर, ओके। तो पूछ सकता है एग्जाम्पल एग्जाम में कि एपिमरीकरण किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा आनी चाहिए और कुछ एग्जाम्पल्स आनी चाहिए कि किसे अपन एपिमर कार्बन कह रहे हैं, ओके। इस तरीके से अपन एपिमरीकरण का कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे डी ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज को डी मेनोज में कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अब डी ग्लूकोज और डी मेनोज क्या आपके एक दूसरे के एपिमरण एपिमर है, एपिमर कार्बन है, कार्बन नंबर टू पर एपिमर कार्बन है, तो वो आपके आने चाहिए जब आप ग्लूकोज से मेनोज में कन्वर्ट कर रहे हो। ग्लूकोज कौन सा ले रहे हो, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज को डी मेनोज में कन्वर्ट कर रहे हो, तब आपके क्या होना चाहिए, एपिमरीकरण होना चाहिए, यानी कि एपिमर कार्बन ही बनना चाहिए जब आपने
एपिमर कार्बन होना चाहिए कार्बन नंबर 2 पर ही। ओके तो अपन देखेंगे अब डी ग्लूकोज से डी मिनोज में परिवर्तन। देखो डी ग्लूकोज से डी मिनोज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके क्या है, एक रिएक्शन सी है, रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट होंगे। कोई अपन रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट लेके उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके फॉर्मूला सेम है आपका, C6H12O6 ही होगा डी ग्लूकोज का भी और डी मिनोज का ये, लेकिन चेंज क्या होगा, एपिमर कार्बन में चेंज होगा। ये कौन सा कार्बन पर, एपिमर में कार्बन नंबर 2 पर विन्यास चेंज होगा। ओके सीधी सीधी भाषा में एपिमर बोले तो विन्यास का चेंज होना किसी एक कार्बन पर, उसे ही अपन एपिमर कार्बन कहते हैं। तो अपन बोलेंगे डी ग्लूकोज का, पढ़ेंगे अपन डी ग्लूकोज को डी मिनोज में परिवर्तन, उसका डी मेनोस में परिवर्तन। ओके ये अपन क्या पढ़ेंगे, अपन रिएक्शन लिखी हुई है डी ग्लूकोज से डी मेनोस का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि डी ग्लूकोज का एपिमर कार्बन नंबर 2 पर विन्यास चेंज होना चाहिए और डी मेनोस पर भी कार्बन नंबर 2 पर ही विन्यास चेंज होना चाहिए। तो अपन डी ग्लूकोज को डी मेनोस में कैसे करेंगे, आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अगर अपन किसी ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रोमीन वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करता है। यह आपका क्या करता है, ऑक्सीडेशन, यह आपका ऑक्सीकरण करता है। डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीकरण करेगा तो किसका ग्रुप करेगा, CHO ग्रुप का। CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, COOH ग्रुप में ही कन्वर्ट होगा। तो यह आपके क्या बन गया, आपके डी ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ओके और अगर इसे प्रीडिंग के माध्यम में, ओके यहाँ प्रीडिंग है, प्रीडिंग के माध्यम में अगर रखा जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपके डी मेनोलिक एसिड में, डी मेनोलिक एसिड में, मेनोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके प्रीडिंग माध्यम में रखने पर ही हो रहा है, प्रीडिंग यहाँ कोई रिएक्ट नहीं कर रहा आपके, ओके केवल आपके विन्यास चेंज कर रहा है। विन्यास चेंज करके आपके क्या कर रहा है, यहाँ से जो विन्यास था वो यहाँ से यहाँ चेंज कर रहा है, OH की पोजीशन को चेंज कर रहा है। प्रीडिंग, प्रीडिंग यहाँ रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि प्रीडिंग यहाँ क्या आपके मीडियम है और मीडियम हमेशा, माध्यम हमेशा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कई कई रिएक्शन में माध्यम भी रिएक्ट करता है, लेकिन कई रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ माध्यम रिएक्शन नहीं करता है। ओके तो ये माध्यम और माध्यम, अगर ग्लूकोनिक अम्ल को प्रीडिंग माध्यम में रखा जाता है तो मेनोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, डी मेनोलिक एसिड में। अब अपन डी मेनोलिक एसिड को अगर गर्म करें, मोनोलिक एसिड या मेनोलिक एसिड बोलते हैं इसे, ओके अगर इसे गर्म करें तो मोनोलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2 गायब हो जाएगा, -H2 बाहर निकल जाएगा, -H2 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ओके तो अपन जब सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी आपके इलेक्ट्रॉन आया था ना, उस तरीके से अपन इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मोनोलेक्ट्रॉन। ओके तो मोनोलेक्ट्रॉन को फिर अपन सोडियम अम्लगम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं, जितने आपके आपने देखे होंगे अम्लगम क्या करवाता है, चेन करवाता है। अब चेन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो अब चेन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होकर क्या कन्वर्ट किसमें निर्माण कर रहा है, डी मेनोज में निर्माण कर रहा है। डी मेनोज के अंदर भी क्या है, कार्बन नंबर 2 पर और ग्लूकोज में भी क्या आपके कार्बन नंबर 2 पर क्या है, विन्यास चेंज है, विन्यास चेंज है। तो इसे बोलते हैं अपन डी ग्लूकोज से डी मेनोज का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। पहले क्या करा, ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण करने के बाद में मीडियम में रखा, मीडियम के बाद में क्या किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद में क्या किया अपन ने, इसका अपचयन किया। ओके ऑक्सीडेशन, फिर किसी मीडियम में रखा, मीडियम में रखने के बाद में गर्म किया, गर्म करने के बाद में क्या किया अपन ने, इसका रिडक्शन किया, रिडक्शन करने के बाद में अपन को क्या मिला, डी मेनोज मिला, डी ग्लूकोज से डी मेनोज प्राप्त हुआ। ओके तो ये हो गया इनका परिवर्तन। ओके अब अपन देखेंगे कि डी ग्लूकोज का डी मेनोज, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कि डी ग्लूकोज ले रहे हैं अपन, अब डी ग्लूकोज को ही कन्वर्ट कर रहे हैं डी ग्लूकोज में, वो मान लो कोई क्रिया ना
का सेम जो रिएक्टेंट था वो का वो सेम रह जाए, तो वो आपस से डी ग्लूकोज बन जाएगा अपने पास। और अगर डी मेनोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं और डी ही फ्रक्टोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो अपन अब देखेंगे। ओके, डी ग्लूकोज को का डी मेनोज व डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट, फ्रक्टोज है ना। देखो आपके डी ग्लूकोज से डी मेनोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रह जाएंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो डी ग्लूकोज में आपने देखा होगा कभी भी 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट्स के पार्ट होते हैं जो क्रिया नहीं करते, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ओके, तो अपन नहीं कह सकते कि आपके 100% आपके कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कि अगर आपके पास अगर ऐसा हुआ तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल कुछ रिएक्शंस होगी उनमें पॉसिबल है कि 100% प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आपके कभी भी कोई भी रिएक्शंस कंप्लीटली नहीं होती है, कि अगर 100% रिएक्टेंट ले रहे हैं तो वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 100 का 100 ही अपन को मिले, कितने मिलती है अपन 99 मिल जाए या 90% मिलती है 80% मिलती, लेकिन आपको 100% नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से अगर डी ग्लूकोज का अपन रूपांतरण कर रहे हैं डी मेनोज और डी फ्रक्टोज के अंदर, तो डी ग्लूकोज भी तो मिलेगा क्योंकि वो क्रिया नहीं करेगा, वो अक्रिय रहेगा। ओके, तो अब देखेंगे अपन डी ग्लूकोज का डी मेनोज और डी फ्रक्टोज में कन्वर्जन। डी ग्लूकोज से अपन डी मेनोज और फ्रक्टोज का निर्माण करेंगे, लेकिन कभी भी आपके 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, तो आपके पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, अपन ने क्या किया डी ग्लूकोज को किसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और इसकी मोलरिटी कितनी रहेगी 0.02 मोलर की मोलरिटी रहेगी। ओके, इसकी मोलरता 0.02 एम की प्रेजेंस का सॉल्यूशन बना हुआ है, कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया है अपन ने 0.02 एम का, तो इस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं डी ग्लूकोज की, तो कन्वर्ट होता है आपके ग्लूकोज ही वापस मिलता है डी मेनोज और डी फ्रक्टोज आपके 63 से 67%। ओके, अपन अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 65% बोल सकते हैं ना, कि 65% ग्लूकोज आपका रिएक्ट नहीं करता है। ओके, जो आपका ग्लूकोज था होगा वही रह जाता है। अब आपके पास कितना 0.8 से 2.4% ग्लूकोज क्या होता है मेनोज में कन्वर्ट हो जाता है, और 29 और 31% आपका डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, किसकी प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अब अपन क्या करेंगे इनके मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरीके से इनका कन्वर्जेशन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं इनमें, वो सब अपन यहाँ देखेंगे। तो ये रिएक्शन था आपके, रिएक्शन में आपको याद रखना है कि डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज और मेनोज किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस कौन सी मोलिटी का बना है 0.2 मोल का बना हुआ है। ओके, 2 मोलिटी का बना हुआ। ओके, तो ये यूनिट याद रखनी है, साथ में याद रखना आपको किसकी प्रेजेंस में अपन रिएक्टेंट कौन सा रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मेनोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये दोनों लिखने कि डी मेनोज और डी फ्रक्टोज बन रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि मेनोज की मात्रा सबसे कम होती है जबकि फ्रक्टोज की थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो बाकी का ग्लूकोज है जो रिएक्ट नहीं करता वो मोस्टली ज़्यादा होता है, यानी 37% आपका ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो इस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है। अब अपन इनकी देखेंगे मैकेनिज्म। ओके, यहीं से रख देती हूँ मैं, नहीं रखा इनको ही साफ कर देती हूँ मैं। अब अपन देखेंगे इनकी क्रिया विधि। देखो आप किसकी क्रिया विधि के अंदर बहुत लंबे
आपकी क्रिया सर क्रिया विधि है कि थोड़ी लंबी है आपकी क्रिया विधि, ओके तो लंबी है तो अपन इनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में पढ़ेंगे किस तरीके से इनोलेट आयन बनता है, इसके अंदर क्रिया विधि के अंदर ही बनता है, फिर इनोलेट आयन का क्या होता है क्या नहीं होता है, किससे फ्रक्टोज बनता है किससे मेलोज बनता है वो अपन यहाँ देखेंगे, लेकिन आपकी क्रिया विधि थोड़ी यहाँ लंबी है तो आपको थोड़ा देखना होगा इसमें किस तरीके से थोड़ा समझना होगा, ओके। तो अब अपन देखेंगे क्रिया विधि, देखो आपके डी ग्लूकोज से डी मेनोज और फ्रक्टोज का रूपांतरण भी बोल सकते हो, समायवीकरण भी बोल सकते हैं, एक तरीके से समायवी है। समायवी का मतलब क्या होता है कि आपके समायता किसे कहते हैं पहले तो आप ये बताओ कि समायता अपन अगर किसी का फॉर्मूला यानी कि अनुसूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए इसे ही बोलते हैं समायवीकरण। तो अपन ने जितने भी अपन ने जब डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज मेनोज सब बनाए उनका उनका फॉर्मूला क्या था, सेम था, कौन सा था, C6H12O6 था, तो ये आपके क्या हो गए समायवी हो गए, इसके यानी कि डी ग्लूकोज के समायवी कौन कौन से हो सकते हैं डी फ्रक्टोज और डी मेनोज, तो ये आपके एक तरीके से अपन बोल सकते हैं डी ग्लूकोज का डी फ्रक्टोज और डी मेनोज में समायवीकरण, ओके। तो इस रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं यानी कि ये कौन सा टॉपिक अपना परिवर्तन की जगह समायवीकरण हो सकता है, ओके। अब अगर इसकी क्रिया विधि ग्लूकोज से डी मेनोज का समायवीकरण कैसे कर सकते हो या उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हो उसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं अपन, है ना, तो अपन उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अब आप देखोगे फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने क्या किया, केवल अपन ने बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन किया है ना, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है बॉन्ड का मूवमेंट, ओके, और लोकलाइज का मतलब होता है कि कोई बॉन्ड स्थिर है कोई लोकलाइज नहीं हो रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ बॉन्ड का लोकलाइजेशन कर रहे हैं। बॉन्ड का लोकलाइजेशन अगर मान लो मैं इस बॉन्ड को ये पाई बॉन्ड है सॉरी सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है तो उसको मैं केवल यहाँ केवल यहाँ कार्बन में लेके आ रही हूँ यानी कि एक तरीके से लोन पेयर की तरह रिप्रेजेंट कर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन किससे निकले एच प्लस में माइनस एच प्लस में कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो कार्बन और हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए कार्बन पे, अब कार्बन पे आ गए तो इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक तरीके से डॉट्स में दिखा दिए है अपन, है ना, तो डॉट्स में ये कार्बन पे मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और केवल मैंने कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मूवमेंट नहीं करवाया तो इसे अपन बोलते हैं इनोलेट आयन। अब मैं अगर वापस से इसका करूँ तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ है जो सॉरी दो इलेक्ट्रॉन थे आपके वो क्या होंगे कार्बन कार्बन के बीच में आ रहे हैं तो जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो कहाँ लोकलाइज होगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया और कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड हो गया, तो इन दोनों संरचना को बोलते हैं इनोलेट आयन। अब आप बोलोगे मैडम आप यही बना देते एक साथ, है ना, लेकिन ये क्यों नहीं बना सकते दोनों, क्योंकि आपके दोनों अलग अलग तरीके से यूज होगी, मान लो आपके अभी ये यूज हो रही है आपके डी मेनोज बनाने में तो ये इनोलेट आयन किस में होगा आपके फ्रक्टोज बनाने में निर्माण होगा यानी कि फ्रक्टोज इस संरचना से बनाया जाएगा और मेनोज इसी इनोलेट आयन से बनाएगा, है दोनों इनोलेट आयन, ओके इनोलेट आयन तो दोनों ही है लेकिन दोनों में केवल बॉन्ड्स का डिफरेंट है कि अपने बॉन्ड्स को किस तरीके से डीलोकलाइज किया है, ओके तो कुछ चेंजेस नहीं है, केवल इसमें क्या किया है आपने कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले अपने केवल एक तरीके से लोन पेयर बोल सकते हैं लोन पेयर की तरह रिप्रेजेंट किया, फिर बाद में अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है ऑक्सीजन पे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, दोनों इनोलेट आयन है दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है क्योंकि मैकेनिज्म अपन को देखनी है फ्रक्टोज का भी निर्माण करना और मेनोज का भी करना। अब अपन ने क्या किया मैंने ये वाला इनोलेट आयन लिया फ्रक्टोज सॉरी मेनोज निर्माण करने के लिए, तो इस इनोलेट आयन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ स्टेप टू के अंदर, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका इनोलेट आयन का बनना, ओके सेकेंड स्टेप में कर रहे हैं मेनोज का निर्माण किस तरीके से होगा इनोलेट के द्वारा, तो मैंने क्या किया इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दूँ CH2OH है कंप्लीट आपका CH हो गया ये कार्बन हो गया एक तरीके से लोन पेयर हो गया इसमें OH प्रेजेंट है OH लिख दिया CH OH ऑथराइज हो गया CH OH हो गया कंप्लीट है आपकी, सेम इनोलेट आयन ही है बस इसे लिखा थोड़ा इसका इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया यानी कि थोड़ा इसको घुमा दिया गया, ओके अगर इस पर H प्लस का अपन एडिट वो करवाएं H प्लस का अटैक करवाएं तो H प्लस अटैक कर रहा है मान लो तो ये क्या होगा घूम जाएगा यानी कि आपने जब कोई आपने जो रिएक्शन पढ़ी होगी SN2 रिएक्शंस SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था SN1 या SN2 के अंदर हो रहा था इन्वर्जन हो रहा था यानी कि अम्ब्रेला की
छतरी है, छतरी तेज हवा के झोंके में क्या होगी, उलट जाएगी, तो उसका विन्यास का प्रतिरूपण हो रहा है, ये सही रहेगा है ना। तो विन्यास का प्रतिरूपण हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, अगर एच प्लस का अटैक कर रहे हैं तो ओ एच माइनस की पोजिशन चेंज होगी, ओ एच माइनस इस साइड आ जाएगा और जो सेम ग्रुप है वो का वही रह जाएगा, तो इसे बोलते हैं अपन डी मेनोज। तो ये हो गया आपका डी ग्लूकोज से डी मेनोज में कन्वर्जन। डी ग्लूकोज में ये ओएच का कोई मतलब नहीं रह जाता यहाँ, ओके। तो केवल अपन ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में किया कि पाई बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट करवाया, या एक तरीके से कह सकते हैं बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन कराया, ओके। फिर अपन ने क्या किया, इनोलेट आयन बना लिया, इनोलेट आयन पर अपन एच प्लस का अटैक करवाया, एच प्लस कहाँ से आया, क्योंकि आपने क्या किया था 0.02 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, 0.02 एम बनाने के लिए आपको वाटर तो चाहिए होगा है ना, वाटर तो मिला ही होगा, क्योंकि अपन जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, मान लो अपन ने क्या किया NaOH का सॉल्यूशन बनाया, 1H का या 1OH का सॉल्यूशन बनाया, तो 1N का सॉल्यूशन बनाते वाले 40 ग्राम तो अपन ने क्या किया NaOH लिया, और जो 60% बचा आपके पास के लिए 40% ये हो गया, और जो 60% बचेगा, जो 60% बचा वो क्या है आपका वाटर ही था, 1 लीटर के अंदर 40 ग्राम ले रहे हैं तो 60% वाटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर 1N का सॉल्यूशन बना रहे, तो जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर भी चाहिए होता, तो वाटर कहाँ से आया आपके पास, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना रहे थे तब वाटर यूज किया था, वाटर यूज किया था, यहाँ से एच प्लस मिला, एच प्लस मिला तो उसे अटैक करवाया अपन ने कार्बन पे, कार्बन पे अटैक कराने के बाद में अपने पास क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन होने पर विन्यास भी चेंज हो जाता है, तो विन्यास चेंज हुआ तो अपने पास डी मेनोज का निर्माण हुआ। तो ये हो गया आपका डी ग्लूकोज से डी मेनोज में रूपांतरण या समायोजकरण। एक बार देख लो इसे अच्छे से, अब अपन देखेंगे डी ग्लूकोज का डी फ्रक्टोज में रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी फ्रक्टोज। अब अपन ने क्या किया, डी एनोलेट आयन लिया था, एनोलेट आयन के अंदर आप सेकेंड वाला एनोलेट आयन लेंगे, ओके। सेकेंड वाले एनोलेट आयन पे क्या करवाएंगे, एच प्लस का अटैक करवाएंगे, एच प्लस का अटैक करवाएंगे, फिर है ना अपन कार्बन नंबर 2 से क्या करेंगे, एच प्लस निकालेंगे बाहर, तो वो किस तरीके से निकालेंगे अपन मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अपन पढ़ते हैं डी ग्लूकोज का डी फ्रक्टोज में रूपांतरण। अब अपन देखेंगे कि अपन एनोलेट आयन से किस तरीके से अपन डी फ्रक्टोज का निर्माण कर सकते हैं, ओके। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में लिया, स्टेप फर्स्ट में क्या किया, ये आपका एनोलेट आयन है जो अपन ने जब डी ग्लूकोज से डी मेनोज में निर्माण किया था, तो एनोलेट आयन का निर्माण किया था, वहीं से मैंने एक एनोलेट आयन लिया, उस एनोलेट आयन को एच टू की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो एच टू की प्रेजेंस में क्या हो गया, यहाँ ओ एच माइनस हो जाएगा, और जो एच प्लस है वो किसका अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर करेगा, क्योंकि यहाँ ही इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता ज़्यादा है, तो यहाँ अटैक करेगा, तो ये बनेगा सी एच ओ एच डबल बॉन्ड सी एच ओ। अब क्या कर पाते हैं, इसे बोलते हैं इनाडोल, इनाडोल यानी कि ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, ओके, इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, ओके, ये आपका मध्यवर्ती। अब इसके रिएक्शन अगर OH- माइनस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा, आपके OH- माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, OH- माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ अगर यहाँ का बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया, तो ये H+ रिमूव हो जाएगा, H+ रिमूव होगा तो क्या होगा, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, H2 का निर्माण कर लेंगे, तो यहाँ फिर से क्या गया, माइनस चार्ज आ गया। अगर इस माइनस चार्ज का डीलोकलाइज करवाया जाए, यानी कि इसका मूवमेंट करवाया जाए, तो ये जो माइनस चार्ज था वो क्या होगा, यहाँ आएगा, और जो पाई बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो कार्बन पे चला जाएगा, तो यहाँ कौन सा हो गया, एनायन का फॉर्मेशन हो गया, एनायन का फॉर्मेशन हो गया, ओके, और ये डिटोन यानी कि CO2 समूह बन गया आपका। अब वापस से इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2 की प्रेजेंस में, ओके। देखो आपके सॉल्यूशन में H2 है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्यूशन बनाए थे मोलर द्वारा, तो उसमें वाटर था, वो वाटर ही रिएक्ट कर रहा है यहाँ, ओके। तो इसमें क्या हुआ, आपके OH- माइनस आ गया यहाँ, और जो H+ था वो कहाँ अटैक करेगा, माइनस चार्ज में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा आपका कार्बन एटम उसी पे अटैक करेगा, तो ये इस तरीके से आपके क्या हो जाएगा, यहाँ H अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, तो CH2OH में निर्माण हो गया, कीटोन रह गया, और ये जो नीचे की श्रृंखला थी वो सेम की सेम है, इस पर कोई
किस तरीके से विन्यास बनाया अपन ने, विन्यास का नामकरण यानी कि अपन ने किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया हो गया, फिर अपन ने समावीकरण किया, समावीकरण का मतलब कि डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज और डी मेनोज का निर्माण किया, किस तरीके कंप्लीट हो गया। अब देखो आप ये रिएक्शन है ना, इसको है ना एक लंबा सा नाम है अजीब सा, आपको याद रखना है, उसी के थ्रू आपको नाम एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसकी रिएक्शन बताओ आपको। ओके मैं लिखती हूँ, देखो जो रिएक्शन अपन ने पढ़ी डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज का निर्माण या डी मेनोज का निर्माण है ना, तो उसके अंदर आपके इस रिएक्शन का नाम होता है लोब्री डी ब्राइन वान एकिनस्टीन पुनर्विन्यास। अजीब सा नाम है पर आपको याद रखना होगा। ओके लंबा सा नाम है, अजीब सा दिखने में एक ऐसा लग रहा है, ओके गंदा गंदा सा, तो पर आपको ये याद रखना होगा लोब्री डी ब्राइन वान एकिनस्टीन पुनर्विन्यास। इस रिएक्शंस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ओके रीअरेंजमेंट ये तो है, रीअरेंजमेंट में क्या होता है आपके ऐसे कोई भी आपकी स्पीसीज है उसे स्पीसीज को अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो दूसरी स्पीसीज का निर्माण हो जाता है, यानी कि कुछ नया नहीं होता है, केवल उसी में आपके एटम्स चेंज होते हैं, उसी के अंदर आपके मान लो कोई हाइड्रोजन किस जगह लगा हुआ है तो वो दूसरी जगह लग जाता है। ओके तो केवल इसमें यही तो हो रहा है आपके, या कुछ नया ऐड हुआ है, नया तो कुछ नहीं ऐड हुआ। ओके नहीं हुआ, इसमें नया कुछ ऐड नहीं होता है, केवल आपके कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में ही का मूवमेंट होता है, उन इस एटम्स का ही मूवमेंट होता है, उसे इसीलिए इसे पुनर्विन्यास कहा गया है, लोब्री डी ब्राइन वान एकिनस्टीन पुनर्विन्यास। ओके अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ओके यानी कि ग्लूकोज की किस तरीके से चक्रीय संरचना का निर्माण किया जा सकता है, या फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। देखो आपके ग्लूकोज की ओपन चेन भी थी और आपकी रिंग साइक्लिक भी स्ट्रक्चर है, तो दो दो